first two and today we will discuss about one word substitutions. ओके फर्स्ट है एब्डिकेशन यानी राज सिंहासन का स्वेच्छा से त्याग. वॉलेंट्री रिन्यूशिएशन ऑफ वंस थ्रोन. नेक्स्ट अबॉर्टिव. कमिंग टू नथिंग अरेस्टेड इन द डेवलपमेंट यानी रून या अपूर्ण. नेक्स्ट स्पेरिंग ऑफ मॉडरेट इन फूड एंड ड्रिंक्स यानी संयमी अविस्टेमियस. ओके नेक्स्ट है एबल टू अडेप्ट वन शेल टू सर्कमस्टेंसेज यानी अनुकूल अडेप्टेबल. नेक्स्ट ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन आर्म स्पेसशिप यानी गगन यात्री एरोनट. नेक्स्ट है वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ अ मैरिड पर्सन विद द पर्सन ऑफ द अपोजिट सेक्स हु इज नॉट द पर्सन हुम ही और शी इज मैरिड यानी अडल्ट्री अवैधानिक योर यौन संबंध. नेक्स्ट साइंस दैट मेक्स क्लियर द लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी यानी एस्थेटिक्स जिसको बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र. नेक्स्ट है एग्रेसर यानी आक्रमणकारी. वन हु कमिट्स इन द फर्स्ट ऑफ अटैक और ऑफेंस इसको क्या कहा जाएगा एग्रेसर. नेक्स्ट अलाउ पेयर टू अ वाइफ टू ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड यानी एलिमोनी तलाक के पश्चात पत्नी को दिए जाने वाला भत्ता. नेक्स्ट अ पर्सन हु कंसिडर्स द वेलबींग हैप्पीनेस ऑफ अ द फर्स्ट अल्ट्रिस्ट यानी परोपकारी. नेक्स्ट पर्सन हु पेंट्स पिक्चर्स परफॉर्म्स म्यूजिक प्ले इटीसी फॉर द लवर ऑफ इट नॉट फॉर मनी यानी ऐसा कलाकार जो स्वांत सुखाए रचना करता हो एमेचर. ठीक है नेक्स्ट अ डिप्लोमेट मैसेंजर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंड वाई वन सोवरगिन पावर टू अनादर यानी एम्बेसडर राजदूत. नेक्स्ट एबल टू डू वर्क विद द लेफ्ट हैंड और द राइट इक्वली वेल जो दाएं या बाएं हाथ से समान रूप से कार्य कर सके एम्बिडेक्स्ट्रियस. नेक्स्ट दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे एम्बिगियस यानी अस्पष्ट. नेक्स्ट वन हु इज एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर यानी जल थल में काम करने की क्षमता रखने वाले क्या कहा जाता है एम्फीबियस. नेक्स्ट अ शॉर्ट अनयूजुअल स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट्स किस्सा या कहानी इसको बोलता है एनेक्डोट. नेक्स्ट ईयरली रिटर्न टू द डेट ऑफ एन इवेंट यानी जो बरसी एक वर्ष में एक बार हो उसे कहा जाता है एनिवर्सरी. नेक्स्ट हैपनिंग एवरी ईयर वार्षिक एनुअल क्या कहा जाता है इसको एनुअल. नेक्स्ट मेडिसिन विच लेस पेन यानी दर्दनाशक दवा एनोडिन. नेक्स्ट डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल यानी असामान्यता एनोमली. नेक्स्ट मेडिसिन विच काउंटैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन यानी जिसको जहर मार दवा क्या कहा जाता है एंटीडोट. नेक्स्ट दैट विच प्रिवेंट्स एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स सब्सटेंसेस फ्रॉम डिकिंग और रोटिंग यानी ऐसी दवा जो सड़न को रोक सके इसको कहा जाता है एंटीसेप्टिक. नेक्स्ट सेट ऑफ रूम्स फॉर लिविंग इन भवन का एक खंड जिसको कहा जाता है अपार्टमेंट.
अगला है सेट ऑफ रूम्स फॉर लिविंग इन, यानी भवन का एक खंड अपार्टमेंट कहा जाता है जिसको। नेक्स्ट अ सप्लीमेंट एडिट एट द एंड ऑफ द बुक अपेंडिक्स, पूरक अंश, क्या कहा जाता है इसको, पूरक अंश। नेक्स्ट अ बिल्डिंग विद आर्टिफिशियल पॉन्ड्स और टैंक्स फॉर कीपिंग एंड शोइंग लिविंग फिश एंड वाटर प्लांट्स, इसको बोला जाता है एक्वेरियम, यानी मछली घर। नेक्स्ट ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर एंड जल में उगने या रहने वाले एक्वेटिक। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर फायर आर्म्स आर कैप आर्मरी, जिसको बोलता है शस्त्रागार। नेक्स्ट अरिस्टोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, इसको क्या कहा जाता है, कुलीन तंत्र, यानी अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट साइंस, सॉरी अ पर्सन हु लीड्स सिबरली सिंपल एंड डिसिप्लिन लाइफ, इसको कहा जाता है हटियोगी, एक्सेप्टिक, एसेप्टिक। नेक्स्ट साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, इसको कहा जाता है नक्षत्र विज्ञान, यानी एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज, इसको क्या कहा जाता है, खगोल विज्ञान, यानी एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, मनुष्य द्वारा रचित ऐतिहासिक सामग्री, इसको कहा जाता है आर्टिफैक्ट्स। अगला है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, जो मतलब गॉड को नहीं मानता, वो विश्वास नहीं रखता, उसे कहा जाता है नास्तिक, यानी एथिस्ट। नेक्स्ट पब्लिक सेल एट विच गुड्स आर सोल्ड टू द पर्सन मेकिंग द हाइएस्ट बिड, यानी ऑक्शन, नीलाम। नेक्स्ट अ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग इन विच एन ऑडियंस सिट्स, यानी इसको क्या कहा जाता है, ऑडिटोरियम, यानी रंगशाला। नेक्स्ट अ पर्सनस लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी जो अपनी कथा स्वयं लिखे अपनी हिस्ट्री, उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। नेक्स्ट गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी जो एक व्यक्ति की सरकार होती है, उसको कहा जाता है ऑटोक्रेसी। अगला एबल टू एक्ट विदाउट अटेंशन, उसको कहा जाता है स्वचालित, यानी ऑटोमेटिक। नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, यानी शव विच्छेदन, इसको कहते हैं ऑटोप्सी। नेक्स्ट अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स इन अ जू, अवायरी पक्षी विहार। एट द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड क्वालापन, जिसको कहा जाता है बैचलरहुड। नेक्स्ट अ पर्सन अनेबल टू पे बैक हिज डेब्ट्स इन फुल, यानी दिवालिया, बैंकरप्ट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट टावर फॉर वेल्स अ पार्ट ऑफ अ चर्च टावर इन विच वेल्स हैंग बेलफ्री, यानी चर्च का घंटा। नेक्स्ट इनक्लाइन टू फाइटिंग, यानी युद्धोमंदी, पेलिकोज। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ बुक्स विद देयर आउटवर्ड फॉर्म्स ऑथर्स सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, यानी बिब्लियोग्राफिक, पुस्तक सूची। नेक्स्ट आर रिटन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी जो दूसरी की लाइफ के बारे में लिखता है उसे कहते हैं बायोग्राफी, जीवन कथा। नेक्स्ट स्पीकिंग टू लैंग्वेज द्विभाषा बायलिंगुअल। अगला है साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स, यानी जीव विज्ञान, जिसको कहा जाता है बायोलॉजी। नेक्स्ट साइंस ऑफ, यानी जिसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। नेक्स्ट है विच कैन बी इजली ब्रोकन, भंगुर क्षण में टूटने योग्य, ब्रिटल। नेक्स्ट गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल स्नूपर साहिब, वीरो एक्यूरेसी। नेक्स्ट अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी नरभक्षी, इसको बोला जाता है कैनिबाल। अगला लिस्ट ऑफ नेम्स प्लेसेज गुड एक्सेट्रा इन स्पेशल ऑर्डर कैटलॉग, जिसको कहा जाता है सूची पत्र। नेक्स्ट है टीचिंग बाय आस्किंग मैनी क्वेश्चंस, प्रश्नोत्तर द्वारा शिक्षा, इसको कहा जाता है कैटेजियम।
द ब्रांच ऑफ ड्रामा दैट डील्स विद एवरी डे लाइफ एंड ह्यूमरस इवेंट्स, जिसको कहा जाता है सुखान नाटक या कॉमेडी। नेक्स्ट है मतलब दैट कैन बी बिलीव क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। नेक्स्ट गेम ऑफ बैटल इन विच नो पार्टी विंस यानी बराबर छूट का स्थगित ड्रॉन। अगला है विच इज फिट टू बी ईट यानी जो खाने योग्य चीज़ होती है उसको कहा जाता है एडिबल। अ पर्सन हु इज द ऑलवेज गाइडेड बाय हिज डिजायर टू बेनिफिट हिमसेल्फ, जिसको कहा जाता है स्वार्थी इकोइस्ट। नेक्स्ट है पर्सन हु इज इन प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ यानी अहमवादी, जिसको इसको भी इगोइस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट सुटेबल टू इज चूशन यानी ओके एलिजिबल। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर यानी प्रवासी इमिग्रेंट। नेक्स्ट गवर्नमेंट इन विच ऑल एडल्ट सिटीजन शेयर थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल यानी प्रजातंत्र होता है इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट अ मैन हु पेज टू मच केयर टू हिज क्लॉथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस कहा जाता है डैंडी यानी छैला। नेक्स्ट टाइम अंडर मटेरियल लॉ मैरिटल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इनडोर्स यानी कर्फ्यू, इसको क्या कहा जाता है कर्फ्यू। नेक्स्ट सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन टू हेयर मोर ब्यूटीफुल यानी श्रृंगार प्रसाधन, इसको कहा जाता है कॉस्मेटिक्स।